मैं और मेरे दोस्त ने हमने नेपाल की ट्रिप करने का प्लान किया, क्योंकि नेपाल में इंडिया से एक ट्रेन जाती है जो कि मीटर गेज की ट्रेन है, तो उसे कवर करने का हमारा प्लान था। तो हम मुरादाबाद से सद्भावना एक्सप्रेस शाम को जो 8 बजे मिलती है, वैसे तो टाइम 7:40 का है बट ये उस दिन लेट आई थी, तो हम यहाँ से 8 o'clock पर निकलते हैं मुरादाबाद से। और ये ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन फिर भी हमें लखनऊ पर लेट पहुंचाती है। लखनऊ हम पहुंचते हैं 4:15, ट्रेन का टाइमिंग होता है लगभग 2:30 बजे पहुंचने का। अब लखनऊ चारबाग स्टेशन पर पहुंचने के बाद में अब हमें यहां से निकलना था बहराइच के लिए, तो हम वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं कैसरबाग बस अड्डा, जहां से हमें बहराइच की बस मिलती है। और वहां से हम बस पकड़ करके और अपना 192 रुपीज़ का टिकट लेकर के चल पड़ते हैं बहराइच की ओर। रास्ते में खूबसूरत नज़ारों के साथ में और एक बहुत ही सुंदर हमारी घाघरा नदी को पार करते हुए और एक छोटी सी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं बहराइच की तरफ। अब बहराइच पहुंचने के बाद में हमें लगता है कि अब हम नेपाल के लिए यहाँ से निकलेंगे, तो नेपाल के लिए जो ट्रेन थी वो निकल चुकी होती है। 8:30 पे हम पहुंचते हैं और 8 बजे वहाँ से नेपाल की ट्रेन निकल जाती है। तो फिलहाल हम सोचते हैं कि यार अब तो ये ट्रेन मिस हो गई है, तो अब क्या किया जाए। फिलहाल हम वहाँ से पकड़ते हैं ऑटो और पहुँच जाते हैं बहराइच रेलवे स्टेशन की तरफ। हमारा जो प्लान था वो मीटर गेज की ट्रेन कवर करने का था, क्योंकि हमारे इस एरिया में बहराइच मैलानी सेक्शन पर मीटर गेज की ट्रेन चलती है और बहराइच से नेपाल के सेक्शन पर, नेपालगंज के सेक्शन पर मीटर गेज की ट्रेन चलती है। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए अब नेपाल की मीटर गेज की जो ट्रेन है वो तो चली गई है, फिलहाल मैलानी वाली जो मीटर गेज की ट्रेन है उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जल्द बंद होने वाली है और इस एरिया में केवल ये गिनी चुनी ट्रेन ही रह गई है जो कि मीटर गेज सेक्शन पर है। सामने आपको मीटर गेज की जो ट्रेन है वो दिख रही है और ये मैलानी से बहराइच और बहराइच से फिर मैलानी इस टाइप से चलती है। तो हम वहाँ से इसका टिकट लेकर के मैलानी के लिए निकल पड़ते हैं और बहराइच को हम वहाँ से लीव करते हैं मीटर गेज की ट्रेन में। तो हालांकि अलग फीलिंग थी मीटर गेज की ट्रेन में बैठना, मैं पहले बैठा तो था बट मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिलहाल वहाँ से हम 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ में ये ट्रेन चलती है। रास्ते के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, दुधवा नेशनल पार्क के थ्रू ये ट्रेन मैलानी तक पहुँचती है, तो ऐसे में हमें रास्ते में कुछ ट्रेन की क्रॉसिंग्स भी मिली। और यहाँ पर जो स्टेशंस हैं बहुत ही छोटे स्टेशंस हैं, कोई बड़ा स्टेशन नहीं है और नेचुरल ब्यूटी आपको इस पूरे सेक्शन पर देखने के लिए मिलेगी। और नेचुरल ब्यूटी इतनी है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, भले ही ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ट्रेन काफ़ी खाली जा रही थी, वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है और कुछ इस टाइप का होता है हमारा मीटर गेज की जो ट्रेन का डिब्बा होता है वो अंदर से इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल हम वहाँ से ये जर्नी कवर करते हुए पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें 2 रेल फैंस भी मिलते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, और हम वहाँ से नेपालगंज को स्किप करके, नेपालगंज का ट्रिप हमें पकड़ना था उसे हम छोड़ करके फिलहाल मैलानी हम पहुंच चुके होते हैं। वहां पर मैं थोड़ी बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं अपने रेल ब्लॉग्स चैनल के लिए और उसके बाद में हम बाहर आ जाते हैं कुछ खाने पीने के बाद में। फिर हम जब दोबारा एंट्री लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार अब हम यहाँ से क्या करें, क्योंकि हमारे पास सारा प्लान ख़त्म हो चुका होता है, हमारा जो मैलानी का जो मीटर गेज की ट्रेन थी वो भी हम कवर कर चुके होते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस से ट्रैवल करेंगे लखनऊ के लिए और लखनऊ से फिर लखनऊ चंडीगढ़ पकड़ करके अपने नगीना और जो मुरादाबाद है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल हम मैलानी और गोरखपुर एक्सप्रेस के अंदर बैठ जाते हैं, टिकट लेते हैं, 75 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होता है और वहाँ से हम अपनी जो जर्नी है वो लखनऊ के लिए स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेन 6 o'clock पर शाम के टाइम डिपार्ट हो जाती है और लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड को अचीव करते हुए बढ़ती है लखनऊ की तरफ। फाइनली हम लखनऊ जंक्शन पर पहुंच जाते हैं लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास और वहां पहुंच करके फिर काफ़ी थकान हो चुकी होती है, तो मैं तो भाई सो जाता हूं, लेट जाता हूं, क्योंकि वहां से हमारी जो ट्रेन है वो 12 o'clock पर है जो कि लखनऊ से लेकर के और जाती है चंडीगढ़, और हमें वहाँ से जो ट्रेन पकड़नी थी वो पकड़नी थी बिजनौर तक। फिलहाल हमने वो जो ट्रेन है वो स्किप कर दी बिजनौर तक के लिए और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही उतर चुके होते हैं मुरादाबाद जंक्शन पर और वहाँ से हम दोनों अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं।
सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी हम नेचुरली जो कहीं भी हम नेचुरल सीन को एक्सप्लोर करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं, कहीं जाते हैं तो उसके ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलते ही रहते हैं। मैं अपना कोई भी ट्रिप प्लान करता हूं तो उसका एक ऑन एन एवरेज कंप्लीट वीडियो आपको बना करके देता हूं, तो वही ये वीडियो था। इसके अलावा जो इसकी डिफरेंट जर्नीज हैं बस की और ट्रेन की, वो आपको ट्रेन के जो रेल ब्लॉग चैनल है उस पर मिलेगी, और जो बस की जर्नी है वो तो आपको अपने इस एमके सिंह ब्लॉग चैनल पर ही देखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको ये चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा अपने कमेंट्स कि आपको कैसी वीडियोस लगती हैं हमारी। कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ नया कंटेंट लाने की ज़रूरत है तो आप अपने सजेशन भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।